बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो है वह चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी तैयार की जा रही है, वो भी मेरे स्टाइल में तैयार होगी। आप चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम लोगों ने ये जो सब सब्जियां हैं वो हमने कट करके रखी हैं और ये सब जो है उसके साथ अंदर शामिल होंगी मैकरोनी के अंदर। तो हमने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी और उसको हमने चॉप कर लिया है, यानी कि कद्दूकश की मदद से हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है। और इसी के साथ जो है हमने एक कैप्सिकम का पीस लिया है, बड़े साइज़ का कैप्सिकम था और उसको हमने जूलियन साइज़ में कट कर लिया है। एक बंद गोभी का पीस है, उसको हमने क्रश कर लिया है। और एक ही हमने जो है वो हरी मिर्च ली है, उसको भी हमने बारीक साइज़ में कट किया है। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसको हमने बारीक कट कर लिया है। और इसी तरह हमने एक टमाटर लिया है और उसको भी बड़े साइज़ का हमने टमाटर लेकर उसको भी बारीक साइज़ में कट कर लिया है। और इसके हमने जो बीज हैं वो नहीं निकाले हैं। और इसी के साथ हमने एक जो है स्मॉल साइज़ का जिंजर लिया है और उसको हमने छील कर रख लिया। और 5 से 6 हमारे जवे हैं लहसुन के। और इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस ली हैं। ये हमारी जो है वो चिकन टिक्का मैकरोनी में तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। और अब हमने जो है एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने घी ऐड किया है। और जैसे ही घी थोड़ा सा कुरकुरा होने लगेगा, यानी कि गर्म होने लगेगा, तो हम इसके अंदर ये हमारी जो बारीक प्याज रखी थी वो हम ऐड कर लेंगे। तमाम प्याज ऐड करने के बाद हम इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे और फ्राई करेंगे। बस इतना करेंगे कि ये खूबसूरत से कलर में आ जाए और ज़्यादा जो है वो ब्लैक कलर में ना आए। तो इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। और साथ ही साथ हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट तैयार करना है और इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। और इसको जो है हम ग्राइंड भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी हम इसको पेस्ट बना सकते हैं। तो मैं ये पेस्ट बना रही हूँ हाथ की मदद से। पेस्ट बनाने के चक्कर में कहीं प्याज को ना भूल जाना। प्याज हमारे ज़्यादा गोल्डन नहीं होने चाहिए। हम इसके अंदर मुसलसल जो है वो चम्मच खिलाते जाएंगे ताकि ये प्याज हमारे मज़ीद खूबसूरत कलर के हमें मिल सकें। तीन मिनट जो है वो तकरीबन हमने प्याज को मीडियम फ्लेम पर जो है वो फ्राई करना है बहुत अच्छे से। प्याज हमारे जैसे ब्राउन हो गए हैं, उसके साथ ही हमने 1/2 kg चिकन लिया है, बोन के साथ हमने चिकन लिया। और इसके अंदर हमने 1/2 चम्मच ही नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया है और ये फुली बॉयल है चिकन। और इसको हम जो है वो मैकरोनी के अंदर ऐड करेंगे। जी व्यूवर्स, प्याज जो हैं वो देखें इस तरह के कलर में आ गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ। और ये हम अपना मसाला तैयार कर रहे हैं मैकरोनी के लिए। एक मिनट तक इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो हमने ग्रीन चिली काट कर रखी थी वो हम शामिल कर देंगे और इसको भी हम अपनी ग्रेवी के साथ जो है वो भूनेंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्लेवर दे सके हमारी रेसिपी को। और इसी के साथ जो हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर कट कट के रखा था वो भी हम शामिल कर देंगे और इसको भी मसाले के साथ बड़ी अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो हमारी रेसिपी में शामिल हो जाए। चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा टमाटर जो है वो मैश कर लेंगे। जो हमें मोटे साइज़ के लगेंगे वो हम थोड़े से बारीक कर लेंगे।
अब टमाटर्स को जो है वो मज़ीद कुक करने के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसको जो है वो हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कुक करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। और लिड लगाकर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हमने लिड उठा ली है और देखें सारा मसाला जो है आपस में नरम हो चुका है। प्याज भी और टमाटर भी जो से हैं वो बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसको हम मज़ीद जो है वो 2 से 3 मिनट भुने। तीन मिनट हमारा मसाला जैसे ही भुन रहा है तो इसके अंदर हम अपने बाकी के स्पाइसेस भी जो हैं वो ऐड कर देंगे। हम इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है वो हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और हमने इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पाउडर ऐड किया है, ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट शामिल करता है मैक्रोनी के अंदर। और इसी के साथ जो है वो 1/2 टीस्पून क्यूमन पाउडर ऐड किया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है मैक्रोनी की। और जो है इसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो है वो सम सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि ऐड किया है, आप ऑप्शनल है, आप ऐड कर लें। तो अब इस चीज़ों को जो है वो हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने मसालों को भी जो है वो अच्छे से जो है वो हम कुक कर लेंगे अपने ग्रेवी के साथ। तीन मिनट जो है वो इसको अच्छे से भुनेंगे और उसके साथ ही हम जो है इसके अंदर बॉयल जो हमने चिकन रखा है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी मसाले के अंदर हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है मसालों का और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो चिकन के अंदर मिक्स हो जाएं। और चिकन तो हमारा फुली कुक है बट हमने इसको जो टेस्ट देना है वो इसी मसालों के साथ जाएगा और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करते रहना है और ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो हमने ऐड किए हैं मैक्रोनी के मसाले में वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और चिकन का भी जो एक फ्लेवर है वो भी मसालों के अंदर शामिल हो जाए, चिकन मसालों को अच्छा फ्लेवर दे सके और मसाले जो हैं वो चिकन को अच्छा फ्लेवर दे सकें। अब जैसे ही अच्छा सा मिक्स हो चुका है हम इसके अंदर जो हमने अपनी कैरेट क्रश करके रखी थी वो हम शामिल कर देंगे। अपनी वेजिटेबल्स की तरफ हम अब आए हैं और कैप्सिकम भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और हम इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। आप इन दोनों की जगह पे पोटैटो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और बहुत सी वैरायटीज़ हैं वेजिटेबल्स में जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे ये दो चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा कलर जो है वो मैक्रोनी के अंदर आता है। देखें ये बहुत अच्छा सा कलर जो है वो आ चुका है और अब इसके अंदर जो है हम अपनी लास्ट वेजिटेबल जो हमने बंद गोभी रखी थी ये सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और इसको सबसे लास्ट में ऐड करके हम सारी सब्जियों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऑलमोस्ट हमारी मैक्रोनी जो है वो डन है यहाँ पर। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और बहुत खूबसूरत कलर जो है वो आ चुका है। अब हमने जो है वो 1
कप के करीब जो चिकन स्टॉक हमारे पास था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिससे हमारी सब्जियां भी अच्छे से नरम भी हो जाएंगी और स्टॉक का जो टेस्ट है वो भी मैक्रोनी के अंदर बहुत अच्छी तरह से शामिल होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी तैयार होती है। जी व्यूवर्स, अब जैसे कि ये सब कुछ आपस में मिक्स हो चुका है, 2 से 3 बॉयल भी स्टॉक में आ चुके हैं, तो हम इसके अंदर जो हमने पास्ता या मैक्रोनी हमने बॉयल करके रखी थी, इसकी रेसिपी तो सबको ही आती है कैसे मैक्रोनी जो है वो बॉयल की जाती है, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको भी हम आपस में मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तमाम मैक्रोनी को, ताकि मैक्रोनी जो है वो तमाम टेस्ट में शामिल हो जाए। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर, जैसे ही ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कितना खूबसूरत कलर भी आ रहा है और टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार है। और ये बहुत ही डिफरेंट जो है वो रेसिपी है, जो कि मेरी अम्मी के स्टाइल की है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर रहे हैं और चाइनीज़ डिशेस में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है और इसके बगैर चाइनीज़ डिशेज़ जो हैं वो नामुकम्मल होती हैं। और इसके साथ हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, इससे भी बहुत ही शानदार खुशबू भी आती है मैक्रोनी में और बहुत अच्छा फ्लेवर भी मैक्रोनी के अंदर शामिल हो जाता है। और इसी के साथ हम इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो चिली सॉस भी ऐड करेंगे, ये भी एक तो तीखापन भी देती है और बहुत अच्छा फ्लेवर मैक्रोनी के अंदर शामिल होता है। और ये जो लास्ट चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो ऑप्शनल है, ये हॉट सॉस हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारी मैक्रोनी टोटली तौर पर तैयार है। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो 2 मिनट्स के लिए ढक कर रख देंगे और ये तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर हम जो है वो थोड़े से धनिया के पत्ते काट कर इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम गार्निश कर देंगे। यहाँ पे हमारी रेसिपी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और अब जो है ये सर्व करने के लिए भी तैयार है। 2 मिनट्स गुजर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी कि स्टेप बाय स्टेप समझ भी आई होगी और आपने पसंद भी किया होगा मेरी रेसिपी को। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी टाइम टू टाइम आपको न्यू वीडियोस मिल सकें और मेरा चैनल जो है आपकी मदद से ग्रो कर सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।